पापा जी आकर देखेंगे कि चावल नहीं चढ़े तो कच्चे ही खा जाएंगे। क्यों? उन्हें तो भूख जो लगी है। नाश्ता नहीं किया पापा जी ने? किया ना, दो बार किया, और टेबल से उठते ही बोले फटाफट लंच बना दो, मुझे बहुत भूख लगी है, तब तक मैं तरबूज खा कर आता हूँ। मैं तो चली रसोई में। वाह क्या कमर है। इतनी कमर, नाजक उमर, हट रे मुए मुझे लग जाएगी नजर। किसकी कमर के बारे में आप गा रहे हैं पापा जी? ऑफ कोर्स मेरी बारे में, और किसके बारे में, जिसे अब भी लोग मुड़-मुड़ कर देखते हैं और गाते हैं। इतना क्या, थोड़ा सा तो कम हुआ हूँ मैं। कम हुए हैं आप? लीजिए नाश्ता कीजिए। ओ थैंक यू थैंक यू। मेरे चौधरी सूरज का नाश्ता है ये। ओहो तू तो खिला खिला कर मोटा कर देगी अपने बेटे को। आदमी की शेप होनी चाहिए परफेक्ट वी, ब्रॉड शोल्डर, नैरो हिप्स जैसे कि मेरे। आपकी तो ओ शेप होती जा रही पापा जी, गोल मटोल। नेवर, मेरी बॉडी में तो जरा भी मोटापा नहीं, मसल्स ही मसल्स हैं, क्योंकि मैं एक्सरसाइज करता हूँ और तुम लोग जरा भी नहीं करते। आई वार्न यू, धनोआ खानदान में मोटा होने की टेंडेंसी है, अभी से संभालो अपने आप को जैसे मैंने संभाला है, नहीं तो फैल कर रुमाल बन जाओगे, रुमाल से बन जाओगे चादर, चादर से बन जाओगे तंबू। इसी तरह खाता रहेगा तो मेरे उन पुराने कपड़ों का क्या होगा जो मैंने तेरे लिए संभाल के रखे हैं, कौन पहनेगा उसे? छोड़ दीजिए परौठा और पापा जी को दे दीजिए। यू आर राइट। हमने आपसे पहले ही कहा था बीवी जी कि आटा कम पड़ जाएगा, आजकल पापा जी की भूख बहुत बढ़ गई है। साहब जी हम आपके लिए और पराठे बना देते हैं। मेरे लिए भी? रहने दो शोभा, इस तरह तुम दिन भर पराठे बनाती रहोगी, मुझे देर हो रही है, मैं रास्ते से सैंडविच खरीद लूंगा। जरूर खरीद लेना, और राजू के हाथ मेरे लिए भेज देना ताकि आज से ही तेरी डाइटिंग शुरू हो जाए। डाइटिंग? बट द होल थिंग इज दैट जो काम बाप नहीं कर सकेंगे वो बेटा कैसे करेंगे? करेगा करेगा, नीरज भी डाइटिंग करेगा। मैं क्या जी, राजू नीरज दे बाप दी गल नहीं कर रहा, सूरज दे बाप दी गल कर रहा है, इसका मतलब तुम्हारी मेरी। पापा जी आपको तो डाइटिंग की जरूरत है। पापा जी आई एम टेलिंग यू, इस उम्र में डाइटिंग इज अ मस्ट। हमारी तो समझ में ये नहीं आता कि इनको इतनी भूख लगती कैसे है। खाना कम खाने से तकलीफ भी कम होती है पापा जी। बट द होल थिंग इज दैट पापा जी आप व्हाई क्यों इतना हंसिंग? बातें इतनी बेवकूफी कर रहे हैं, दविंदर सिंह धनोआ और डाइटिंग। व्हाट अ जोक। ले आया नाड़ा? हाँ जी बीजी ये लीजिए। अब बीजी आप हमको ये बताएं कि पापा जी के इस पैजामे के लिए कितना मीटर लंबा नाड़ा लगे? पहले तो मैं 2 मीटर पांदी सी, उन्हें छोटा पड़ने लगा है। और जब तक आप पापा जी के इस पैजामे में 3 मीटर लंबा नाड़ा नहीं डालेंगे तब तक पापा जी ये पैजामा नहीं पहने। नीरज दूध पी लो। ओहो क्यों टाइम वेस्ट कर रही है, इतनी देर में तो मेरे लिए 2 परौठे बना देती। मैं देता हूँ रोटी, तू जा रसोई में। हाँ जी पापा जी। तेरे पापा जी ने ऐसा ही दौरा पड़िया सी। अच्छा? हाँ 24 घंटे भूख भूख करन रहंदे सी और कुछ न कुछ खांदे रहंदे सी। देन तो आप पकाएंगे पकाएंगे और थक जाएंगे बीजी। और नहीं तो की। But the whole thing is that कि फिर वो कंट्रोल में कैसे आएंगे? मैं बीमार जो पड़ गई। बीजी मैंने पापा जी के लिए खाना लगा दिया है, आप खाएंगी? जे बच गया तो। दूसरी बीजी शोभा ने डबल खाना बनाया है। ओह आप यहाँ है, मैं जरा अपने फ्रेंड के यहाँ जा रहा हूँ। खाना कब खाएगा तू? आने के बाद। बाय। सुन दूध पिया तूने? किसी ने दिया ही नहीं पापा जी। इतनी कंजूसी से क्यों परोस रहे फूफी, और देना। वो इसलिए पापा जी क्योंकि खाना कम पड़ जाएगा, मेहमान जो आए हैं। इतनी जल्दी कैसे जा सकते हो नरेश, खाना खाकर जाना। ये कौन है फूफी? साहब जी के कॉलेज के दोस्त। आओ मैं तुम्हें पापा जी से मिलाता हूँ। श्योर। पापा जी ये नरेश है, जानते हैं कौन है? रिफ्यूजी। रिफ्यूजी? हाँ वही जो कैंपों में रहते हैं जहाँ खाना नहीं मिलता, और खाना ना मिले तो कहीं ना कहीं किसी दोस्त के यहाँ पहुँच जाते हैं। I like it. पापा जी का सेंस ऑफ ह्यूमर तो कमाल का है। पापा जी नरेश इज अ टैलेंट स्काउट, इसे हमेशा टैलेंटेड लोगों की तलाश होती है जिसे वो फिल्म्स और टीवी में काम दिलाते हैं। तभी ये मेरे टैलेंट को झट से पहचान गया। आजकल मैं ऐसी टैलेंट की तलाश में हूँ जो सर्कस में काम करने के लायक हो। अच्छा इसीलिए तुम जोकर के पास आया? नरेश तुम बैठो ना कुछ खा लो। नहीं नहीं मेरा पेट तो पापा जी को देखकर ही भर गया। पापा जी आपके हाथ में कुछ दाने लगे हुए हैं। ओ तेरी, तभी मैं सोचूं कि मेरा पेट क्यों नहीं भरा। तू खाएगा? नो, आपको कम पड़ जाएगा। सो तो है। अच्छा सूरज मैं चलता हूँ, फिर आऊंगा किसी दिन। अच्छा पापा जी आपसे मिलकर बड़ा मजा आया। मुझे भी बड़ा मजा आया खाने का। तेरे पास गाड़ी तो होगी? गाड़ी हाँ है ना। मुझे जरा हलवाई के यहाँ छोड़ देना, मुझे दूध जलेबी खानी है। आइए पहले
हफ्ते 10 दिन में गेहूं पिसाना पड़ता था, हुन तो रोज के रोज पिसाना पड़ता है। हाँ, सुबह पिसवाते हैं और शाम को खत्म भी हो जाता है। Because of yours faithfully, पापा जी। हमारे हिस्से में कुछ नहीं आता। पतीले से लगी हुई दाल और पापा जी से छिपा के रखा हुआ ब्रेड। हमारी फूफी हमेशा कहा करती थी उतना ही खाना चाहिए जितना हजम हो सके। बट द होल थिंग इज दैट पापा जी का हाजमा भी तो बहुत सॉलिड हो। कल तो वो पंजीर रोटी खा गए और डकार तक नहीं ली। और कल रात जब मैं नीचे पानी लेने आया तो देखा कि पापा जी अंधेरे में बिस्किट भी खा रहे थे। पापा जी के कपड़े कितने टाइट हो रहे हैं। ओ किरण, ये कुर्ता श्रिंक कैसे हो गया? हाय, मैं मर जावा। नहीं नहीं किरण, कुर्ता श्रिंक हो जाने पर अपनी जान नहीं देते। कुर्ता श्रिंक नहीं हुआ है पापा जी, आप बहुत मोटे हो गए हो। मैं कहां से मोटा हूं? फ्रॉम सर से लेकर पांव तलक पापा जी। हां जी पापा जी, आप तो बिल्कुल बेबी एलिफेंट लग रहे हो। यू मीन हाथी का बच्चा? पागल हो गया तू? मैं तो शेर का पुत्र हूं, शेर का स्लिम एंड ट्रिम, फुर्तीला इंसान। पापा जी, लेकिन आपको कोई फर्क महसूस नहीं हो रहा है इतना वजन उठा के? वो सेब का क्या वजन है, मैं तो खाने से भरी हुई प्लेट एक उंगली पर उठा सकता हूं। पापा जी, हम तो आपके वजन की बात कर रहे हैं जो बढ़ते बढ़ते डबल हो गया है। देख नम्रता पुत्र, साफ साफ कह दे कि नाश्ता अभी तैयार नहीं है। क्यों बहाने बना रहे हो कि मैं मोटा हो गया हूँ ताकि कुछ खाऊं? नहीं, बिल्कुल नहीं, आज से तुसी कुछ नहीं खाओगे। बगैर सोचे समझे ये तूने क्या कह दिया किरण, मेरा तो हार्ट ही फेल हो जाना था। ये तो अच्छा है कि मेरा हार्ट स्ट्रांग है मेरी तरह। पीजी बिल्कुल ठीक कह रही है पापा जी। क्या ठीक कह रही है, कल तक तो मैं ठीक था, अब रातों रात इतना मोटा थोड़े हो गया हूँ जितना तुम कह रहे हो। हमारी फूफी हमेशा कहा करती थी पापा जी, दर्पण झूठ नहीं बोलता, अगर हमारा यकीन नहीं होता तो आप खुद आईने में जाके देख लीजिए। वो बाद में, पहले मेरे लिए आधी दर्जन पराठे बना दो, बहुत भूख लगी है। बिल्कुल नहीं मिलेंगे। अच्छा तो फिर टोस्ट बना दो। वो भी नहीं मिलेंगे। पराठे नहीं, टोस्ट नहीं, तो फिर बन क्या रहा है? डोसे, वो भी चलेंगे। जब तक किरण मेरे लिए पराठे बना रही है तब तक मैं 15-20 डोसे खा लूंगा। हरगिज नहीं, आज से मैं तुम्हारे वास्ते कुछ भी नहीं बनावांगी। हाँ जी पापा जी, ना मैं, ना बीची, ना शोभा, कोई भी आपके लिए कुछ नहीं बनाएगा। आज से तो आपको डाइटिंग ही करनी होगी। गाजर, मूली, उबली हुई सब्जी खानी होगी आपको। दूध मलाई बिल्कुल बंद। यस, न पातुला खाना मिलेगा एंड नो पीइंग इन शाम को। बोल लिया सबने जो कुछ बोलना था, अब मेरा जवाब सुन लो। नहीं नहीं, देख लो। नाराज हो गए क्या? चंगी गल है, होन दे नाराज। इस बहाने कुछ खाएंगे तो नहीं, बैठे रहेंगे अपने कमरे में मुंह फुला के। ये है मेरा जवाब। यस, देखता हूँ कौन करवाता है मुझसे डाइटिंग। इसका मतलब तुसी नहीं मानोगे? नेवर। पापा जी खा रहे ना, इसलिए मैंने ही वो कह दिया जो पापा जी कहने वाले थे। चंगा जी चंगा, खाओ जितना मर्जी है खाओ तुसी, मैं भी देखती हूँ कितना खा सकते हो। जितना तुम खिला सको। लेकिन पापा जी, अगर आपने बीच में गिव अप कर दिया ना तो आपको डाइटिंग करनी पड़ेगी। मंजूर है। तो चल नम्रता पुत्र, शोभा लग गई शर्त। शाबाश, ये हुई ना बात। अगर मेरे हाथ में खाने की प्लेट ना होती तो मैं तेरी अनाउंसमेंट सुनकर नाचना शुरू कर देता। अगर यही हाल रहा ना तो नाचना तो दूर की बात, चलना फिरना भी मुश्किल हो जाएगा। कंट्रोल योर सेल्फ पापा जी, कंट्रोल योर सेल्फ, वरना पैर उठाने के लिए भी क्रेन मंगानी पड़ेगी। पुत्र, तू पहले रसोई में जा और मेरे लिए परोठे लेके आ। पीछे अब तो घर में कुछ भी नहीं है खाने के लिए। मैं तो समझी थी तेरे पापा जी थक जाएंगे खाते खाते, लेकिन ये तो रुकते ही नहीं है। पेट है या कुआ? कुआ। मेरा मतलब है भरता ही नहीं है। और कुछ है? खाली बर्तन और डब्बे है। चाहो तो मैं अपने आप पर नमक और काली में छिड़क देता हूँ, आप मुझे ही खा लीजिए। नहीं नहीं, मैं तुझे नहीं खा सकता, लगता है मेरा पेट भर गया है। मींस क्या आप ये नहीं खाएं? इतने सारे केले? हां जी, या तो आप यही खाएं वरना आप गिव अप करें। राजू, ये तो कहां से ले आया? फ्रॉम यहीं से, बाहर से। वेल डन राजू। बीजी, नमो, पापा जी ने अभी अभी कहा कि ये केले नहीं खा सकते हैं। मतलब पापा जी को गिव अप करना होगा और अब डाइटिंग करनी होगी। मैं 2 मिनट में आ। इसका मतलब तुसी खाना छट के जा रहे हो। नहीं नहीं, मैं सौंफ खा रहा हूँ ना। हमेशा कहा करती थी जब हाथी चलता है तो सारा जंगल थरथराता है, और पापा जी की चाल से हमारा घर थरथराता है। बाहर कहाँ चले गए हाथी जी? अब मेरा मतलब है पापा जी। God knows. पेट में जगह बनाने के लिए तो अंदर जाना पड़ता है ना। आप समझेंगे नीरज बाबा, the whole thing is that पापा जी क्या बोलेंगे 2 मिनट्स के लिए, लेकिन पापा जी आएंगे 2 घंटे बाद। हाँ, ताकि हम समझे कि पापा जी ने हार मान ली है। हार? Never. लाओ वो केले,
अभी खा लेता हूँ। अगर आपको केले खाने ही थे पापा जी तो आप बाहर क्यों चले गए? और केले लाने, ये मुझे कम पड़ते। हमारी फूफी हमेशा कहा करती थी, कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं और कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं, लेकिन हमें तो ऐसे लग रहा है कि हम पापा जी को खिलाने के लिए जी रहे हैं। मैं मित्र भैया पकाते पकाते। लेकिन बीजी इसमें पापा जी का क्या कसूर है? उन्हें सच में भूख जो इतनी लगती है, पता नहीं हजम कैसे कर लेते हैं, मोटे होते जा रहे दिन ब दिन। हाँ अगर हमारी फूफी अब उन्हें देखेगी तो पहचानेगी ही नहीं। मैं पापा जी हूँ, सूरज का पापा जी। ऑफ कोर्स मैंने आपको पहचान लिया पापा जी, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि जब मैं लास्ट टाइम आपसे मिला था तब आप थोड़े दुबले से दिख रहे थे। अब अच्छा दिख रहा हूँ ना? हेल्थी वेल्थी एंड वाइज। एब्सोल्युटली। इनफैक्ट सूरज, मुझे जिस आदमी की तलाश है ना वो पापा जी ही तो है। मेरी तलाश? मेरा एड्रेस तो था तेरे पास। पापा जी आपका एड्रेस तो मुझे पता है, लेकिन आज आपका ये टैलेंट भी मालूम पड़ा मुझे। पापा जी का टैलेंट? वो ये मेरे सेंस ऑफ ह्यूमर की बात कर रहा है। हाँ जी बिल्कुल सही कहा आपने, और साथ में आपकी इस पर्सनालिटी का भी, बिल्कुल यही रिक्वायरमेंट है सर्कस वालों की। सर्कस वालों की? हाँ पापा जी सर्कस वालों की। सूरज मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं सर्कस में काम करवाने के लिए नए कलाकारों को ढूंढ रहा हूँ। अरे अगर पापा जी काम करने के लिए हाँ कर दें तो मैं तो कल से पापा जी की ट्रेनिंग शुरू करवा दूँ। बिल्कुल नहीं, मेरे पापा जी कोई सर्कस वर्कस में काम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? तूने मेरा नाम जोकर देखी थी, उसमें मेरी ही पर्सनालिटी का एक आदमी रिंग मास्टर का काम करता था। कैसे नाचते थे शेर उसके इशारों पर जब वो शेरों को पिंजरे में घुसता था। जब वो काम कर सकता था तो मैं क्यों नहीं कर सकता? नरेश मैं करूंगा सर्कस में काम। लेकिन पापा जी। चुप जल कुकड़े, मैं तुम्हें पास दूंगा, आ जाना पूरी फैमिली को लेकर मेरा शो देखने। लेकिन नरेश मुझे करना क्या होगा? कुछ खास नहीं पापा जी, बस आपको अपना वजन कुछ 10-15 किलो बढ़ाना होगा। बस 10-15 किलो? मैं तो 30 किलो बढ़ा लूंगा। इसका मतलब है तुसी होर मोटे होने वाले हो? तेरा मतलब है मैं ऑली मोटा हूँ? तभी तो आपको सिर्फ आपके वाइट कुर्ते फिट आते हैं पापा जी, जो बीजी ने रात के सोने के लिए ढीले ढीले सिलवाए थे। अब तुम ये कहोगी कि मेरी पीठ के पीछे तुम लोगों ने मेरे बाथरूम का दरवाजा छोटा नहीं करवाया? दरवाजा छोटा करवाया? ये आप क्या कह रहे हैं पापा जी? तभी तो मैं बाथरूम में आते जाते दरवाजे में अटक जाता हूँ। दरवाजे का साइज तो वही है पापा जी, आपका साइज बढ़ गया है। मैं तो कहता हूँ पापा जी कम कर लो अपना खाना, अपने आप को रोक लो। मुझे मत रोको, मुझे खाने दो। मेरा तो करियर बनने वाला है, बड़ा ब्राइट फ्यूचर है मेरा। बचपन में मैंने जब सर्कस देखी थी तो मेरा मन करता था कि मैं रिंग मास्टर बनूं, हाथ में हंटर पकड़कर शेरों से कर्तव्य कराऊं। आज मेरा वो सपना पूरा होने वाला है। तुम लोग मेरी सक्सेस पर खुश होने की बजाय जलस हो रहे हो। हमारी फूफी हमेशा कहा करती थी पापा जी फालतू की बातों में वक्त जाया नहीं करते, हम आपसे पूछते हैं आप क्या खाएंगे? कुछ भी खिला दे फूफी, जिससे मेरा 30 किलो वजन बढ़ जाए। इज द होल थिंग इज दैट पापा जी, इस वजन में और वजन बढ़ेंगे तो आपका वजन क्या होएंगे? एक शेर जितना, ताकि शेरों के बीच में खड़ा जाए शेर, लोग देखें और तालियां बजाएं। पापा जी इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? हंसने से वजन बढ़ता है। तुम हंस क्यों रहे हो मुझे देखकर? कौन हो तुम? आपने मुझे नहीं पहचाना, लेकिन मैं तो आपको देखते ही पहचान गया कि आप वही हैं जिन्हें हमारे नरेश बाबू ने हमारे सर्कस में काम करने के लिए चुना है। अच्छा मेरी पर्सनालिटी ऐसी है? थैंक यू। तुम भी उसी सर्कस में काम करते हो? जी हाँ, तभी तो नरेश बाबू ने मुझे यहाँ भेजा है आपको ट्रेन करने के लिए। ट्रेन करने के लिए? जी हाँ। देखिए आपको ये जरा जगह खाली करनी पड़ेगी ताकि हम अपने शेरों का पिंजरा यही बना सके। तो शेर भी साथ में लाए हो? वेरी गुड। राजू फूफी नीरज सूरज भाई जगह खाली कर दो, पूरी जगह खाली कर दो, ये सोफे हटा दो। नहीं नहीं सोफे रहने दो, सोफों पर शेर चढ़ेंगे उतरेंगे जिस तरह सर्कस के स्कूलों पर चढ़ते उतरते हैं। सचमुच पापा जी आप तो बहुत फनी हो। इसके पहले भी किसी सर्कस में काम किया है क्या? नहीं ये मेरा पहला चांस। हाँ तभी तो आप इतना भी नहीं जानते कि सर्कस के शेरों को यहाँ वहाँ नहीं लेके जाते। देखिए आपकी ट्रेनिंग तो शेरों के बिना ही होगी, फाइनल रिहर्सल होगा उनके साथ। तो जैसे ही मैं शेरों को लेकर एंटर करूंगा। हैं? तू क्यों शेरों को लेकर एंटर करेगा? क्योंकि तब आप यहाँ खड़े होंगे ना शेरों के रास्ते के बीच, और जब पहला शेर अपना पांव उठाकर आपको छुएगा आप उसे पलट के देखोगे, डर के जंप करोगे और फिर गिर जाओगे, उठोगे, भागोगे और लपक कर पिंजरे की दीवार से लटक जाओगे। कौन? आप? मैं ऐसा क्यों करूंगा?
तभी तो पापा जी लोग हंसेंगे ना, बच्चों को तो ये आइटम बहुत पसंद है, चीखे मार मार कर हंसते हैं वो। पापा जी फिर जब मैं हवा में अपना हंटर चलाऊंगा, फटाक। तू को चलाएगा हंटर? हंटर तो मेरे हाथ में होगा। पापा जी हंटर तो रिंग मास्टर के हाथ में होता है। वही तो मैं कह रहा हूँ, हंटर मेरे हाथ में होगा। क्या बात कर रहे हैं आप, जोकर के हाथ में कभी हंटर होता है क्या? जोकर? हाँ वो होता है ना, चेहरे पर लाल पीला नीला रंग लगाए हुए, फूल और पट्टियों वाले उटपटांग कपड़े पहने हुए, वही जोकर जो अब आप बनने वाले हैं हमारे सर्कस का। मैं जोकर बनने वाला हूँ? जी हाँ, आपके इस मोटापे की वजह से। देखिए पापा जी, अगर आप जोकर का मेकअप ना भी करें तो भी लोग हंस पड़ेंगे आपका ये मोटापा देखकर, जैसे कि मैं हंस पड़ा था। आप हिट हो जाएंगे पापा जी अपने इस मोटापे की वजह से। और हाँ, मैंने तो आपका नाम भी सोच कर रखा है, फैटी फैटी बम्बोलैटी। कैसा लगा? देखिए दर्शकों, प्यारे दर्शकों, आ रहा है आपका अपना मनपसंद प्यारा जोकर, फैटी फैटी बम्बोलैटी। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, आप जरा नरेश से कहेंगे मुझसे मिलने के लिए? वो आउट ऑफ टाउन के बाहर गए हैं और आर्टिस्ट ढूंढने के लिए, एक महीने बाद लौटेंगे। पापा जी घर में हैं? हाँ है ना। पापा जी सर्कस वाले साहब जी आए हैं। ये क्या पापा जी, आप तो दुबले हो गए, मैंने तो आपको मोटा होने के लिए कहा था। जिस मोटापे ने मुझे जोकर बना दिया था पुत्र, उस पर मैंने काबू पा लिया है। मैंने रियलाइज किया कि लोगों को हंसाने के लिए मेरी सेंस ऑफ ह्यूमर काफी है। मैंने अपने बेटे से रिक्वेस्ट किया कि वो मुझे कुछ ना खाने दे, मेरे हिस्से का भी वो खा ले, और उसने मेरी खातर वही किया। भगवान ऐसा बेटा हर मोटे बाप को दे। ग्रेट, लेकिन सूरज है कहाँ? वो खड़ा है।